स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, जल्दी से बता दें। यस मैम। ओके यस मैम। ओके सर्कुलर मोशन सबसे पहले आप देख लेते हैं, हमारा थोड़ा सा टॉपिक सर्कुलर मोशन बचा हुआ है, ठीक है। मतलब फर्स्ट चैप्टर मोशन का सर्कुलर मोशन, ठीक है मैम। हाँ जी मैम, क्या आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आज नेटवर्क प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा है, मेरी बार बार मीटिंग लेफ्ट हो रही है। ये वाली डिजी पैड वाली में रिकॉर्ड करने में दिक्कत नहीं आती है, दैट इज द रीजन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे क्लास इसलिए ही नहीं ले रही क्योंकि लास्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी और सब बच्चे, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम था, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। ओके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म का, जैसा कि आपको मतलब पता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, लेट्स से देयर इज अ पर्सन, एक आदमी है और उस आदमी के हाथ में एक थ्रेड है और उस थ्रेड से उसने एक स्टोन को टाई कर रखा, ठीक है। अगर वो इस स्टोन को घुमाता है, अगर ये वो इस स्टोन को घुमाता है तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एक मिनट रुकिएगा, ओके। अगर वो इसको घुमाएगा, एज यू कैन सी दैट ये इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे, इस बॉल या स्टोन की वेलोसिटी की बात करें, मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड वो तो है कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, बट एवरी टाइम इट मूव, जब वो मूव करता है तो आप देखिए, डू यू नो द मीनिंग ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट अगर आपको नहीं पता है तो देखो, टेंजेंट किसे कहते हैं, ये एक सर्किल है और इस सर्किल पे एक पॉइंट पे टच होने वाली लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, दिस ये, तो ये मैंने सारे क्या बनाए हैं, दीज आर टेंजेंट्स, ए बी सी डी, तो ए ई, ए ई टेंजेंट है, बी एफ टेंजेंट है, सी आर टेंजेंट है, डी क्यू टेंजेंट है। टेंजेंट मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ, व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्किल, विच टचेस द सर्किल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे टच होने वाले, टच जो करती है सर्किल को एक ही पॉइंट पे, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो इधर मैंने चार टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, ठीक है, बट चारों के हर एक टेंजेंट सर्किल को सिर्फ एक ही बार टच कर रही है, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, दीज ऑल द फोर पॉइंट आर डिस्टिंक्ट, यू कैन सी दैट। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले बेसिक चीज़ मैंने आपको क्या बताई, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। बट थोड़ा सा आराम से समझना, थोड़ी सी चीज़ें कुछ नया भी पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो एक बार देखिएगा आप आराम से। दो मिनट रुकिए, ओके
मुझे 2 मिनट रुकना है, कुछ इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। चलो, अरे दूसरी चीज हम आपको क्या बता रहे थे, फिर से हमने क्या बताया अभी तक, आपने क्या जाना है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, दिस इज अ सर्कल, ये सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करती है सो क्या कांस्टेंट रहता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। बट हमने एक चीज और पढ़ी है वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसिडर करते हैं। तो आप इधर देखिएगा, ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ। अगर मेरा स्टोन इस पॉइंट पे है, मेरा स्टोन यहाँ पे है, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, वो इधर जाएगा। अगर मेरा स्टोन यहाँ पहुँच गया है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, वो इधर जाएगा। अगर मेरा स्टोन यहाँ पे है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, वो इधर जाएगा। अगर मेरा स्टोन इधर है, इस पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, तो वो आगे इधर जाएगा। तो यू कैन सी दैट अगर मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, तो वो टेंजेंट मुझको क्या देती है, टेंजेंट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, इधर टेंजेंट मुझको क्या बता रही है, आगे के मोशन का डायरेक्शन बताती है, विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि अब स्टोन आगे किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। ठीक है, तो एज यू कैन सी दैट हर एक पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप एक और चीज, दो तीन छोटी छोटी नई नई चीजें हम इसके अंदर आपको सिखाते हैं और देखें। पहले तो ये चीज़ देख ली, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है। बट इस सर्कल पे आप किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो आपको उस सर्कल, उस स्टोन के मोशन का डायरेक्शन देगी कि वो स्टोन आगे किस डायरेक्शन में जाएगा। तो यू कैन से दैट इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। इन छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स लिखते जाइए, इन सर्कुलर मोशन, जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदल रहा है। ये हमने कैसे जाना, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट, हमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो हमको ये चीज पता लग गई। ठीक है, तो अब हम आगे क्या बताते हैं, जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है विद, ये सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, लेट से बॉडी ओ ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये पूरा। ठीक है, तो उसका अगर हम पाथ बताना चाहें, ये पाथ क्या है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, वन सर्कमफ्रेंस विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कि उस बॉडी ने जिसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो इस केस में अगर आर रेडियस है तो डिस्टेंस ट्रैवल कैन आई फाइंड आउट, यस, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेरा कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2πr। क्या ये बात समझ में आती है। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, अगर मैं आपको बोल रही हूँ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे बचपन वाला, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो हम जब लेते हैं, हमारी बॉडी की वेलोसिटी जब कंटिन्यूसली बदलती रहती है। क्या इधर वेलोसिटी बदल रही है? नहीं, मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था जब एक बॉडी एक ही पाथ को कंटिन्यूसली फॉलो करती है, उसका सर्कुलर मोशन होता है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी वी वेलोसिटी। इस पॉइंट पे आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी, यू विल से वी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछूंगी तो यू विल से वी। इस पॉइंट पे पूछूंगी तो यू विल से वी। तो एट एवरी पॉइंट इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी, 2πr/T। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती है, ठीक है। अगर सन के चारों तरफ वो चक्कर काट रही है और उसकी हर साल वेलोसिटी बदल जाए, अगर वेलोसिटी बदल जाएगी तो सोचो भाई आपका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम में कैसा रिलेशनशिप है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूँ। वेलोसिटी और टाइम में इन्वर्स रिलेशनशिप है ना, इसको देखो तो v=d/t। तो अगर आपके अर्थ के घूमने की क्षमता स्पीड बढ़ गई तो जो 365 दिन में एक चक्कर कंप्लीट होता था अब कितने दिन में हो जाएगा, शायद 200 दिन में। तो आपका एक साल 200 डेज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी घट गई तो टाइम बढ़ जाएगा, तो आपका एक साल कितने दिन में होगा, कितने दिनों का हो सकता है, 450 दिनों में, येस और नो। तो क्या जब हमारी अर्थ इस सन के चारों तरफ चक्कर काट रही थी तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हुई? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जब वो एक ही सर्कुलर पाथ को कंटिन्यूसली ट्रेस करती है तो उसकी वेलोसिटी नहीं बदलती है, और नहीं बदलती। अर्थ इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू लर्न, नहीं तो हमारा हर साल में 365 डेज नहीं आते, ठीक है। हर साल 365 डेज का इसलिए ही है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम भी कांस्टेंट है। इनफैक्ट उसका आर, सन से अर्थ का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, जब हमेशा वो एक ही पाथ को, सर्कुलर पाथ को परफॉर्म को ट्रेस करती रहती है कंटिन्यूसली। इज दिस क्लियर? तो ये जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी का फॉर्मूला इन केस ऑफ सर्कुलर पाथ d/t होता है, और d आपका सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कुलर मेन पाथ, उसने एक्चुअल पाथ क्या है, 2πr, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट चीज, नई चीज जो शायद आपकी बुक में शायद है, कुछ बुक में हो सकती है अदर देन NCERT, नहीं तो नहीं होती है। आप देखेंगे, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। अब जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, लेट से मेरी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, एस स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ टाइम बाद मेरी बॉडी मूव करके इस पॉइंट पे आ गई, इसको मेरा एस डैश। तो उसने ओ एस से यहाँ तक मूव करी तो उसने कुछ एंगल ट्रेस किया, थीटा, ठीक है। एंगल आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बट 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री तो आप लोगों को समझ में आता है। तो थीटा इज कॉल्ड एंगल इन डिग्री, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में इस थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो है भैया, उसने 30 डिग्री का एंगल ट्रेस किया तो वो 30 डिग्री यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर 60, फिर 120, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल का चेंज होना, एंगल डिस्प्लेस हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? यस, नई टर्म है, सिर्फ नाम सीख लो, ठीक है। यस, सर्कुलर मोशन में 2-3 नई टर्म सिखा रही हूँ, हो सकता है आपका टीचर बताए, हो सकता है नहीं बताए, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, ओके। ऐसे ही अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो इधर एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, उस एंगुलर वेलोसिटी के सिंबल को हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज नॉट W। कई बच्चे W तो आप ऐसे भी बना सकते हो, तो ये W नहीं है, ये ऐसे इस तरीके से ही बनाना है, ठीक है। और इस सिंबल का एक नाम है, उसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा, ठीक है, ये सिंबल का नाम भी याद रखना है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो इस केस में आ रही है,
स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हुई ना एकदम से, एक चार्ज भी ऑन है बेटा, एक बार देखना वो चार्ज हो रहा है क्या इधर, कनेक्शन लूज तो नहीं। ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी है तो किसके इक्वल होगी, हाँ इधर रेयान ने छेड़ा था ना अभी बेटा, बेटा ये वाली वायर देखो, इस वायर को ये जिससे कनेक्टेड है जिस प्लग से, उसको थोड़ा सा डार्क प्रेस करना है, कर दिया पर ब्राइटनेस तो नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी ब्राइटनेस, सही चलो कोई बात नहीं, ओके चलो हम पढ़ते हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ गया, थीटा बाय टी। सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको आप सिर्फ समझने के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक पार्ट क्लियर है। अब एक चीज जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आपको बता दिया, अब देखो जो हमने v इक्वल्स टू 2 पाई r बाय t निकाला है और एक ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय t निकाला है, तो ये जो इधर v है और इधर अगर इसके आगे मैं एंगुलर वेलोसिटी लिख रही हूँ तो उस वेलोसिटी के आगे भी कुछ लिखेंगे एंड दिस इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, ये इस वेलोसिटी को हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, जिससे कि आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। अब एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जो सर्कुलर मोशन का आता है, व्हाई द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज एन एक्सीलरेटेड मोशन, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर स्कूल एग्जाम, इन माई एग्जाम, बट यू विल फाइंड, राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाई डू सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज एन एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, व्हाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज एन एक्सीलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, ठीक है, तो सर्कुलर ये आप डायग्राम बनाएंगे इसको समझाने के लिए, और डायग्राम में क्या बनाने जा रही हूँ आप ऑलरेडी समझ चुके हो। देखो ये मैंने चार पॉइंट्स लिए, इन चार पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट, वो टेंजेंट मुझको क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब इसको कैसे समझते हैं, हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इट्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट बट द डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, कैन यू सी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं अगर आप कहो तो मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ, व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है देन इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, बट डायरेक्शन इज सीधे बैठो इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, डायरेक्शन कैसा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंजिंग, सिंस वी नो दैट, हमें पता है क्या, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी in which direction and magnitude both are considered दोनों चीजें considered होती है, both are considered, ठीक है। तो आपने क्या बताया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, दोनों कंसिडर होते हैं और इधर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है, ये वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको आप ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है, बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर द
वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, कौन मुझे अनम्यूट करके बताएगा? यस, है क्या बच्चे क्लास में, कोई भी नहीं है क्या? 16 स्टूडेंट्स आर देयर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है. वेरी गुड सक्षम, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है. आई वॉन्ट कि आप लोग नहीं तो चैट विंडो पे रिप्लाई किया करो, बट यू शुड रिप्लाई, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. इसलिए मैंने क्या बोला, सिंस द डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो आई विल से वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड देयरफॉर द मोशन विल बी कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन. क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हाँ जी, आती है क्या बात समझ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. तो आगे आप लिख सकते हैं, देयरफॉर द वेलोसिटी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो द मोशन विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, एंड की स्टेटमेंट आप लिख लेना, मैंने पूरा लिख दिया है. यस, जल्दी से बताओ आया क्या नहीं. सक्षम, एक बार नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करके बताना जो बैठे हुए हैं क्लास में. मैम 12 और 13 स्टूडेंट ही हैं. ओके, 13 अभी तक तो 16 मतलब 14 स्टूडेंट थे मेरे ख्याल से. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 14 बच्चे तो हैं, यार तुम 13 क्यों बोल रहे हो? तुम एक ही तो, हाँ? मैंने दूसरी डिवाइस ज्वाइन कर रखा है. तुम तो एक ही दिखा रहे हो इसके अंदर. यस मैम. अब ईशा भी आ गए, नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं बिट से. चलो कोई बात नहीं, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स. ठीक है, हमें एक मिनट यहाँ पर रोक दो. अच्छा, यहाँ पे लिखना है तुमको, कॉपी कर रहा? यस मैम. करो करो. डन. यस मैम. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज फोर्स. मैम सेल प्रोडक्शन पढ़ा दूंगी बेटू, आज तो नहीं. मियोसिस माइटोसिस के लिए बोल रहे हो ना तुम? यस मैम. हाँ, अरे यार माउस के लिए. अब मेरा माउस काम नहीं कर रहा है. चलिए, विल स्टार्ट विथ फोर्स. नया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर. फोर्स एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे. लेट से एक बॉय है, ठीक है. इस बॉय ने इस बॉल को हिट किया, ठीक है. इस बॉय ने इस बॉल को हिट किया और यू विल से किक किया. उसके किक करने से ये बॉल मोशन में आई और ये
इस डायरेक्शन में मूव करने लग गए। आ रही है बात समझ में? दूसरा एग्जाम्पल देखो, इधर हमने ये एग्जाम्पल लिया, अगेन देर इज अ बॉय, एक बॉय है जो कि इस ट्रॉली को, ये एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली को पुश कर रहा है। उसके पुश करने से ये ट्रॉली मूव कर रही है, इधर बॉल को किक करने से बॉल मूव कर रही थी। इधर क्या हुआ, बॉल को उसने किक किया, मोशन आया, इधर इसने इस ट्रॉली को पुश किया तो मोशन आया, पुश किया। सेकेंड एग्जाम्पल, ये एक और हमने, चलो गर्ल ले लेते हैं, एक गर्ल है जिसने इस ट्रॉली को पुल किया, ठीक है, ये पुल कर रही है, सिंस ही शी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, उसका मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो ये ट्रॉली पे को पुल कर रही है। पुल करने के कारण भी क्या हुआ, ये जो ट्रॉली है ये मोशन में आई, ठीक है। तो हर एक केस में क्या हो रहा है, इधर मैं बॉल को, अगर ये बच्चा हिट किक करता है तो बॉल मोशन में आती है, ट्रॉली को पुश करती हूँ तो मेरी ट्रॉली मोशन में आती है, उसको पुल करती हूँ तो वो मोशन में आती है। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया जो आपके दिमाग में भी आना चाहिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कॉज क्या है, मोशन का कॉज हम जानना चाह रहे हैं कि ये बॉडी, ये तीनों बॉडीज क्यों मोशन में आई। तो हमने बताया जब इस बच्चे का लेग इस बॉल के कॉन्टैक्ट में आया तो उसने इसको किक किया, ठीक है, इधर इस बच्चे ने इसको पुश किया, तो आप बोलोगे बच्चे का बॉल को किक करना, ट्रॉली को पुश करना और ट्रॉली को पुल करना, अगर ये तीनों ही चीज़ें नहीं होती तो क्या कॉज मोशन होता, तो क्या मोशन होता, आंसर इज नो। तो अगर हम बॉल को किक मारेंगे, ट्रॉली को पुश या पुल करेंगे तो वो मोशन में आएगी। तो आप बोल सकते हो मैम कॉज इधर बॉल के केस में किक है, ट्रॉली के केस में पुश है, पुल है, बट नाउ वी ऑल आर स्टडिंग फिजिक्स। तो हम जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम सब बहुत सारे, मतलब अगर रीजंस अगर हम देना चाहें कि ये बॉल है, ये अगेन देर इज़ अ बॉय, उसके हाथ में हमने उसको एक हॉकी स्टिक पकड़ा दी और उस हॉकी स्टिक से अगर वो इसको हिट करता है तो फिर से ये वाली बॉल भी मोशन में आएगी। तो आप इधर बोलोगे कि मैम ही इज हिटिंग द हॉकी, द बॉल विद द हॉकी। तो ये सब कॉज हैं मोशन के, मगर इतने सारे सिनोनिम्स ना यूज़ करके, क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो हमने इन सब को नाम दिया फोर्स, ठीक है। तो अगर हम फिजिक्स में इन सब का नाम देंगे तो हम एक ही चीज़ बोलेंगे, बच्चे ने बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, बच्चे ने ट्रॉली पे फोर्स अप्लाई किया, बच्चे ने पुल करने के लिए भी फोर्स अप्लाई किया और इस हॉकी स्टिक से हिट करने के लिए भी उसने हॉकी स्टिक और हॉकी स्टिक से बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो कुल मिला के जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो बॉडी के अंदर मोशन आता है। अब फोर्स अगर हम डे टू डे लाइफ में, अगर आपने और कोई फोर्स देखा हो, तो एक जो फोर्स होता है, अगर ये मेरा ट्री है, ठीक है, और इस ट्री के ऊपर मैंगोस या एप्पल जो भी शेप बन जाए, फिलहाल तो मेरी ये ऑरेंज बन रही है तो जो फ्रूट की शेप बन जाए हम वही फ्रूट कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर ये फ्रूट जो है इट गेट डिटैच ऑल बाय इटसेल्फ, तेज़ हवा चली और ये फ्रूट डिटैच हो गया, ठीक है, तो डिटैच होके ये कहाँ गिरेगा, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर ये पेड़ जो कि अर्थ की सरफेस पे है तो अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स। हर एक चीज़ अर्थ की सरफेस पे जो होती है वो अर्थ के कारण एक खिंचाव महसूस करती है, एक फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं,
ठीक है। तो इधर हमें इसको डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स बता रही हूँ, तो इधर बॉल का इस फ्रूट का नीचे आने का रीज़न क्या है, पुल, किसका पुश, किस कौन चीज़ उसको अपनी तरफ पुल कर अपनी तरफ पुश कर रही है, नॉट सॉरी पुल कर रही है, कौन कर रहा है उसको, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेट। Have you seen a bar magnet? Bar magnet वो होती है जिसके दो poles होते हैं, एक north होता है एक south होता है। अब मैं इसके पास बहुत सारी nails रख देती हूँ। Nail क्या होती है? लोहे की कीले, उनको nails बोलते हैं English में। तो ये nails अपने आप इसकी तरफ attract हो जाएंगी, उनको एक आकर्षण होगा, फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और वो अगेन फोर्स है, और बट इधर फोर्स का नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो हम स्पेसिफिकेशन पे नहीं जा रहे हैं, हमने इधर आपको ऊपर बताया था कि वो चार जो तीन हमने एग्जांपल लिए थे, किक का, पुश का, पुल का, इन विच देवर ऑल द टू बॉडीज वर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर मुझे मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल को मुझे लिफ्ट करना है, लिफ्ट करना मतलब आई विल अप्लाई फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फॉर दैट आई नीड टू टच दिस बॉल, दिस बॉटल। सिमिलरली अगर मेरे को मोबाइल को अपने पिक करना है, अगेन आई नीड टू अप्लाई फोर्स विद माई हैंड ऑन दिस, ठीक है। बट इन दोनों नीचे वाले एग्जाम्पल को अगर आप देखो, ग्रेविटेशन वाले और मैग्नेट में, क्या दो बॉडीज एक्चुअल में कॉन्टैक्ट में थी? आंसर इज नो। जब फ्रूट नीचे गिर रहा था तो उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही थी, बट अर्थ और उसके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था। तो इससे एक छोटी सी चीज शायद आपको समझ में आई कि दो तरह के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। जो एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स जब भी पिक्चर में आता है जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होती है। अगर मुझे इस बॉटल को मूव कराना है तो मेरे हाथ से मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको पुश कर रही हूँ, तो मेरा हाथ और बॉटल कॉन्टैक्ट में आए। तो और दूसरा एक फोर्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, जैसे कि अर्थ और हमने एप्पल का एग्जाम्पल लिया, जैसे कि मैग्नेट और मैंने नेल का एग्जाम्पल लिया। तो इस अभी तक के टॉपिक में आपको क्या समझ में आया कि देर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेज, वन इज कॉन्टैक्ट, वन अनदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है, एक वो बॉडी जो कि फोर्स लगाएगी और एक दूसरी बॉडी जिस पे फोर्स लगेगा जिसके कारण वो मूव करेगी। और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें जिस पे लग रहा है फोर्स वो बॉडी मूव करती है, और दूसरी बॉडी की और पहली बॉडी के बीच में देर इज नो कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दे डू नॉट टच ईच अदर। Is this point clear to everybody in the class? Please reply on chat window or unmute yourself. You can say yes, ma'am. Yes, ma'am. और बहुत बढ़िया तरीके से आया तो you know you can send me smileys. ठीक है? Okay? तो ये बहुत ही basic चीज जो कि आपकी book में नहीं है, तो आपको बहुत basic से start किया है कि contact और non-contact दो तरह के forces होते हैं। अब ये force क्या क्या कर सकता है, जरा उसके बारे में बात करते हैं कि इस फोर्स से क्या क्या होता है। अगेन चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इनिशियली हम लेते हैं कि एक देर इज अ बॉय, ठीक है, और इस बॉय के जस्ट लेग के कॉन्टैक्ट में ये फुटबॉल आने वाली है। इनिशियली ये फुटबॉल कैसी है, रेस्ट पे है, ठीक है, दिस इज एट रेस्ट। जब इस बच्चे ने इसको हिट किया तो ये कैसे किस में आ गई, मोशन में, ठीक है। तो पहला आप क्या बता सकते हो, फोर्स ऑन अप्लाइंग फोर्स द बॉडी कैन चेंज इट स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, आई ना मोशन में आपके सामने, ठीक है। दूसरा, दूसरी चीज, ठीक है, ये बॉल मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, ठीक है, इधर एक और बंदा खड़ा है या बंदी खड़ी है, जिसको भी खड़ा करना है कर लो, ठीक है, उसको नहीं खेलना था,
तो व्हाट डिड ही ट्राई टू डू, उसने जब इसके पास में आई तो उसने इस पे फोर्स अपने पैर से दबा दिया, ठीक है, फोर्स आप उसने पैर से दबा दिया उस मूविंग बॉल को, तो हमने क्या देखा, वो बॉल रुक गई। यहाँ से वो कैसे आ रही थी, मोशन में आ रही थी, इस बच्चे के पैर के कॉन्टैक्ट में आई तो इसने क्या किया, उसको रोक दिया, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का फोर्स है जिसमें स्टेट कैसे चेंज हो रही है, ऊपर वाले केस से रेस्ट से मोशन में आई थी और इधर स्टेट क्या हो रही है, मोशन से रेस्ट में आ रही है। चलिए तीसरे बच्चे के पास चलते हैं, ठीक है। तीसरा बच्चा क्या करेगा, ओके, जब तीसरे बच्चे के कॉन्टैक्ट में आई बॉल, ठीक है, ही वॉज रेडी टू प्ले, वो खेलना चाहता था, तो बॉल आ रही थी यहाँ से, ठीक है, ऐसे आ रही थी और वो बच्चा खड़ा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और उसने हिट किया और बॉल मूव करी इस डायरेक्शन में। नाउ कैन यू सी, इनिशियल डायरेक्शन ये था और फाइनल डेस्टिनेशन ये, फाइनल डायरेक्शन ये हो गया, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, देर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, देर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। तो तीसरी चीज मेरे फोर्स ने क्या करी, उसने डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया। तो माय फोर्स, इट कैन ब्रिंग द बॉडी विच इज एट रेस्ट इनटू मोशन, इट कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी एंड इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। जो बॉडी मूव कर रही है उस मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ओके, और क्या कर सकता है मेरा फोर्स, और जो चौथी चीज मेरा फोर्स कर सकता है, लेट्स देयर इज अ स्पंज बॉल इन माय हैंड, मेरे हाथ में स्पंज की बॉल है और उस बॉल को मैं दोनों तरफ से प्रेस करती हूँ। प्रेस करना मतलब आई एम अप्लाइंग फोर्स, मैंने फोर्स लगाया। सो व्हेन आई अप्लाई फोर्स लाइक दिस ऑन अ स्पंजी बॉल, देन व्हाट विल हैपन, its dimension, its shape will get changed, its shape will be changed। अब मेरा force क्या कर रहा है, इस ball की shape को change कर रहा है। तो मेरा force क्या क्या कर सकता है, हम सारी चीज़ों को combine करें तो the force can change the state of a moving body to rest or a body at rest into motion, it can change the direction and it can also change the dimensions, ठीक है। shape में कई बार हम अपने answer को impressive बनाने के लिए we use the term dimensions। dimension क्या होते हैं, length, breadth, radius, side, ठीक है। जब आप दबा रहे हो तो उसका radius कम हो रहा है, उसकी मतलब उस वो actually circular ही नहीं रहेगी, ये ball oval बन जाएगी, ठीक है। तो this all is being done by the force। तो एक इकलौता फोर्स क्या क्या चीज़ें कर रहा है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अगर ये समझ में आया तो मैं चैट विंडो चेक करने आ रही हूँ कि कौन कौन बच्चा मुझे बता रहा है कि यस मैम इट इज क्रिस्टल क्लियर। ओके, हाँ जी चैट विंडो, क्लियर, ओके, गुड, वेरी गुड, चल बहुत बढ़िया, ओके, चले हम आगे बढ़ते हैं। चल नेक्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं। अब फोर्स की हम आगे बात करें, एक चीज और बताते हैं तुमको, जब इस बच्चे ने इस बॉल को हिट किया था तो ये मूविंग बॉल कुछ डिस्टेंस कवर करके अपने आप रेस्ट में आ गई थी, ठीक है। कैसे आ गई थी, रेस्ट में आ गई थी। सो क्वेश्चन ये आता है कि फोर्स तो लग रहा था आगे, आपने उसको फोर्स दे दिया था, तो वो अपने आप रेस्ट पे क्यों आई। रेस्ट में इसलिए आई क्योंकि अर्थ की सरफेस और बॉल की सरफेस, जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होती हैं तो उन पे अपोजिट डायरेक्शन में
जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन के, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स लगता है जो कि बॉडी के मोशन को अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अपोजेस द मोशन, मोशन कैसे अपोज करेगा, इन अपोजिट, बाय अप्लाइंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल जा रही है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई उसको, उस पर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, वो रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मैंने, जिस बच्चे ने उस बॉल को हिट किया था, उसने तो एक ही बार हिट किया ना, उस हिट करने के बाद नाउ ही इज नॉट अप्लाइंग फोर्स एनी मोर, बट जो एक कंटिन्यूसली उस पर फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो बॉल किसके कॉन्टैक्ट में, अर्थ के सरफेस से तो कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में है ना, तो अर्थ की सरफेस कंटिन्यूसली उसके मोशन को रिटार्ड रिटार्ड करती जा रही है और वो फाइनली रुक जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, देर इज अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स विच ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन, उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो कि बॉडी के मोशन को अपोज करता है, जो कि बॉडी को हमेशा रेस्ट में लाना चाहता है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये फिजिक्स में, बहुत अच्छी चीजें, अगर मन लगाओगे तो मजा आएगा पढ़ने में। बैलेंस्ड फोर्स, दो तरह के फोर्स के बारे में बात करेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। पहले हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस मतलब एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक ही बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ऑन अ बॉडी and there is no change in the state, no change in state, फिर भी body की state में change नहीं आ रहा है, तो उस force को हम बोलते हैं balanced force। समझ में आ रहा है, जब एक ही body पे बहुत सारे forces लग रहे हैं और उन forces के कारण बॉडी की स्टेट ही चेंज नहीं हो रही है, और यू कैन से इन द टर्म ऑफ फिजिक्स नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब, अभी मैं एक चीज बता रही हूँ, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में F1 को पॉजिटिव ले रही हूँ, तो इस डायरेक्शन में जो F2 होगा उसको मैं कैसे लिखूंगी, माइनस। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन आप शो कैसे करते हो, विद द साइन इन फिजिक्स। तो नेट फोर्स विल बी जीरो का मतलब क्या है, बहुत सारे फोर्सेस सब, ये इसका मतलब होता है सिग्मा, ये सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा मतलब समेशन, एडिशन, समेशन। ठीक है, सिग्मा फिर से बनाऊं क्या, ये देखो ये ऐसे बनता है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा एफ का मतलब बहुत सारे फोर्सेस को ऐड किया, बट रिजल्ट क्या आया, जीरो। समझाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा, अभी तो थ्योरी बता रही हूँ, दो तीन बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे, आपको मजे से समझ में आ जाएगी मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। बैलेंस फोर्स मतलब फिर से बहुत सारे फोर्सेस बॉडी पे ऐड कर रहे हैं, बट उनका रिजल्टेंट क्या है, उनका रिजल्टेंट ये है कि भैया बॉडी की स्टेट में चेंज ही नहीं आया। ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल हम लेते हैं संता और बंता। कौन, कितने लोग संता और बंता को जानते हैं, है क्या हमारी क्लास में कोई संता और बंता को जानने वाला? ठीक है, ये संता और बंता की कार है, ठीक है, कार है, और ये उसका एक टायर है और ये दूसरा टायर है। ठीक है, तो ये टायर, हम बेसिकली फ्लैट टायर की बात कर रहे हैं। फ्लैट का मतलब क्या, क्या फ्लैट टायर कब होगा, पंचर टायर, पंचर, ओ वाओ, फ्लैट टायर का मतलब होता है पंचर टायर। तो संता और बंता को अपनी कार को लेके जाना है, इसको मूव कराना है, मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया,
संता ने बोला देख अपन दोनों फोर्स लगाते हैं, ये हाथ अभी मेरे को बाद में बनाना था बट ठीक है, मैं बहुत ही बुरी तरीके से इसका हाथ बनाती हूँ। तो उसने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, और बंता ने कहा चल मैं भी तेरी हेल्प करता हूँ, और उसने भी फोर्स लगाया। संता और बंता एक ही फैमिली के, एक ही जैसा खाना खाते, एक ही जैसी एनर्जी रखते, तो संता ने लगाया फोर्स F1 और बंता ने लगाया फोर्स F2, जो कि दोनों बराबर फोर्सेस हैं किसमें, मैग्नीट्यूड में, ठीक है। संता इधर से लगा रहा है, बंता इधर से लगा रहा है, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना है, अगर संता का फोर्स प्लस F है तो बंता का क्या होगा, माइनस F, और रिजल्ट क्या होगा, शून्य, ठीक है। तो इस कार पे फोर्स भी लगा, एक से ज्यादा भी लगा, बट सबका डायरेक्शन किस तरह का है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो क्या नेट कार में मोशन आया, कार की स्टेट चेंज हुई, कार रेस्ट से मोशन में आई? आंसर इज नो, आंसर इज नो। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, बहुत सारे लूंगी, ये पहला संता बनता। संता बनता क्लियर है सबको क्या? हाँ जी, संता बनता, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, ओके, थैंक यू बच्चों बताने के लिए, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ पर्सन, ठीक है, विद अ लड्डू इन हिज हैंड, ठीक है, ये लड्डू है, अब बॉल हो गई यार बहुत ज्यादा, लड्डू ले लेते हैं, ठीक है। अब ये लड्डू, ये लड्डू पे जब उसने इस तरीके से पकड़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा है, हर चीज को अर्थ अपने सेंटर की तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ का फोर्स, फोर्स ऑफ जी स्टैंड फॉर ग्रेविटी, ठीक है, एक बार इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो भैया क्या इस लड्डू पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है? यस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो सब पे लगता है, बट उतना ही बराबर फोर्स अगर मेरा हाथ प्रोवाइड कर दे, नहीं तो ये जो बच्चा जिसके हाथ में लड्डू है उसका हाथ प्रोवाइड कर दे मस्कुलर फोर्स, ठीक है, उसने हाथ में होल्ड कर रखा है तो वो फोर्स कैसा है, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। तो ग्रेविटी का फोर्स मस्कुलर फोर्स से बैलेंस हो रहा है, ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लड्डू है ना, गणेश जी के मंदिर जाते हो क्या आप लोग? मोती डूंगरी के गणेश जी के मंदिर पे बहुत बड़े साइज का लड्डू रखा होता है, ठीक है, ऑन स्पेशल ओकेजन। तो वो लड्डू को उठाने में शायद कईयों एक हाथ से उठाने का अगर हम चैलेंज दें तो भैया आपका हाथ ऐसे ऐसे नीचे जा सकता है, देखो अगर स्क्रीन से नहीं दिख रहा है तो ये नीचे जा रहा है, क्यों भैया, ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। बट लड्डू है, लड्डू को अगर आप इमेजिन करो, सामने लड्डू है और उसको खाना है, तो हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, उसको गिरने नहीं देंगे। तो जब आप, अगर आप गिरने नहीं दे रहे हो तो आप उस पर कौन सा फोर्स लगा रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो कि मेरा लड्डू गिर ना जाए, ठीक है। और चैलेंज है एक ही हाथ का, और लड्डू का साइज है ये, ठीक है, 2 किलो का लड्डू मिलता है गणेश जी के मंदिर जाइएगा मोती डूंगरी पे, ठीक है। तो उस लड्डू को बैलेंस करने के लिए मस्कुलर फोर्स आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाया। अब व्हाट, अगेन दिस इज द केस ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि जितना ग्रेविटी ने लगाया उसके अपोजिट ही अगर आपने लगा दिया तो ये एग्जांपल किसका हो गया, बैलेंस्ड फोर्स का हो गया। आया क्या समझ में? यस yes. जल्दी से बता दो, अरे कोई लड्डू दे रहे हैं क्या मुझे, चैट विंडो पे चेक करने आऊं या ऐसे ही? हाँ जी, यस मैम, आ गया लड्डू, आ गया क्या? आई थॉट कि तुम बोले लड्डू आ गया, ये माही क्या कह रही है? नो मैम, समझ में नहीं आया क्या माही, ये ओ को लड्डू मानूं और नो को क्या मानूं? नहीं मैम, पुराना आप एक आंसर बोल रहे थे, वैसे नो लिख रही थी। अच्छा, अभी तो तुमने कुछ भेजा ही नहीं मुझे, क्या बात है, चलो ओके। सो बैलेंस का मतलब समझ में आ रहा है सब लोगों को? बैलेंस का मतलब ये होता है जब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं बट उन सब का समेशन, उनको आप जब ऐड करते हैं, देखो
जब आप 11th में आओगे तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बताती हूँ आपको। वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज डन, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो एफ के ऊपर ये ऐसे लगता है, ठीक है, एफ और एफ के ऊपर मैंने एरो बना दिया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया, मैं आपको बताती हूँ, आप तो सिंपल वैसे भी समझ लो कि एफ वन लग रहा है, एफ वन भी नहीं लेते हैं, एफ वन लग रहा है, फिर एफ टू लग रहा है, फिर एफ थ्री लग रहा है, यू कैन सी दैट बीच में प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी का डायरेक्शन, कोई इस डायरेक्शन में लग रहा है तो कोई इस डायरेक्शन में लग रहा है, कोई इस डायरेक्शन में लग रहा है तो कोई इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इन सब का नेट अगर ज़ीरो आता है, ऐड करके, ऐड करने के बाद रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, बैलेंस्ड फोर्स का। चलिए, बैलेंस समझ में आ गया, तो अब हम अनबैलेंस्ड पे मूव करते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, अभी हमने अनबैलेंस्ड फोर्स की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लीजिए, व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड ड्यू टू विच and due to which there is a change in the state of our body, और अगर body की state में change आ जाता है and due to which there is a change in the state of a body, तो आप motion कैसा बताएंगे, unbalanced, sorry, force कैसा बताएंगे, unbalanced force, when number of forces are acting on a body, जब बहुत सारे forces एक body पे act कर रहे हैं, when number of forces are acting on a body, ठीक है, विच चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी, और वो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देते हैं, देन द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब नेट फोर्स विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसके अंदर अगर हम एक लैंग्वेज में लिखना चाहें तो नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं होगा, अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो ही आप बोलोगे कि सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो उनके कारण कुछ ना कुछ मोशन तो होने वाला है। देखो, ये एडम्स एप्पल गिराते हैं, ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक एन एप्पल, कहीं हार्ड ना बन जाए, ओके, बेटर है पहले से, ठीक है। तो ये मेरा एप्पल जब गिर रहा है, ये एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि एक इकलौता फोर्स लग रहा है एफ जी, एंड देर इज नो अदर फोर्स टू बैलेंस्ड इट, कोई और फोर्स ही नहीं लग रहा है इस पे, तो ये मेरा एग्जाम्पल किसका है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा मैम ने कहा था दो से ज़्यादा भी लगाएंगे, बट एक ऐसे फोर्स जिसके अंदर बॉडी मूव करती है, तो ये एडम्स एप्पल के केस में, ये सॉरी मेरे न्यूटन एप्पल बोलेंगे, एडम एप्पल तो हमारे बॉयज के होता है, तो न्यूटन के एप्पल के केस में ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, क्योंकि इस पे एक ही फोर्स लग रहा था जिसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं था, तो इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, दिस फोर्स इज कॉल्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि इसके कारण बॉडी हमारे एप्पल मोशन में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, हमारे लड्डू के एग्जांपल पे आ जाइए, ठीक है। अब ये लड्डू हमने एक छोटे बच्चे को पकड़ा दिया, ठीक है, छोटे बच्चे को पकड़ा दिया, अगर ये लड्डू अब उसको एक बार हाथ में दिया बट वो विद इन अ सेकेंड वो होल्ड नहीं कर पाया और ये नीचे जाने लगा, तो नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका मस्कुलर फोर्स इस एफ जी से, मस्कुलर फोर्स चलो मान लियो उसने लगा भी दिया, ठीक है, एफ एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मस्कुलर फोर्स, ठीक है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन एफ एम, ठीक है, तो एफ जी माइनस एफ एम करोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यों, क्योंकि एफ जी बड़ा है। एग्जाम्पल लेके समझो, देखो ये 10 फोर्स की
SI unit, SI unit of force is न्यूटन. ये न्यूटन तुम्हारे लिए बहुत काम करके गया है, ठीक है. कई लोग गालियाँ भी देते हैं क्योंकि उसके कारण पढ़ना पड़ता है, ठीक है. और बेचारे ने बहुत ही भला काम किया है, ठीक है. सो फोर्स पलाश ने क्या मैम पलाश ने क्या किया पलाश ये अच्छा जोक था. पलाश तो पढ़ने का काम कर रहा है. सो फोर्स SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम N से सिंबलाइज करते हैं. तो FG लेट्स से 10 न्यूटन है और FM छोटे बच्चे का हाथ है ना, तो 1 न्यूटन दे देते बेचारे को. तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 10 माइनस 1 गिव विल गिव यू 9 न्यूटन. सो फोर्स जिस डायरेक्शन का ज़्यादा होता है, बॉडी का रिजल्टेंट मोशन उसी डायरेक्शन में होता है. तो हमारा लड्डू क्या होने वाला है, फूटने वाला है, ठीक है. तो ये किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मिट्टी में गिरने के बाद तो ठीक है, दुख की बात है. बट फाइनली क्या हुआ, एक डायरेक्शन में मोशन हुआ, ठीक है. तो अनबैलेंस फोर्स से आपने क्या सीखा, अनबैलेंस फोर्स से ये सीखा कि बॉडी की स्टेट, जो स्टेट होती है वो चेंज होती है. संता वंता को पिक्चर में लेके आए क्या, संता वंता जब इस तरह का एक एक्ट कर रहे थे तो एक भले मानुष ने उनको देखा, ठीक है, और उनको समझाया क्या कि अगर तुमको फोर्स लगाना है, इसको खिसकाना है, तो क्या करो, दोनों एक ही डायरेक्शन में खड़े हो जाओ और फिर फोर्स लगाओ. तो फाइनली दोनों का काम चला और दिमाग चला, दिमाग तो क्या क्या अगेन उसको फॉलो कर रहे हैं, और ये कार हमारी मूव कर गई एक डायरेक्शन. अब व्हाट इज द रिजल्टेंट, दोनों बराबर भाई भाई थे ना, बराबर फोर्स लगाया, रिजल्ट क्या आया, 2F नॉट इक्वल्स टू 0. तो इन सारे एग्जांपल्स देखो, आपके लिए न्यूटन एप्पल भी बना रखा है, लड्डू भी बना रखा है, संता वंता भी बना रखा है. इन सब में क्या हो रहा है, फाइनली मोशन हो रहा है, बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है. कार इनिशियली रेस्ट पे थी, मूव करने लग गई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. लड्डू फॉर अ नैनो सेकेंड उसके हाथ में रेस्ट पे था, ना वो नीचे जा रहा था ना ऊपर, बट फाइनली वो नीचे गिरा क्योंकि नीचे का फोर्स ज़्यादा था ऊपर के फोर्स से. इसी तरीके से इनिशियली एप्पल अटैच था आपके ट्री से, बट वो डिटैच क्यों हुआ, जब हवा चली तो वो एप्पल डिटैच हुआ, बट वो नीचे ही क्यों मूव किया, बिकॉज द ओनली फोर्स दैट वॉज एक्टिंग ऑन दैट एप्पल वॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. तो जब बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो पाता, तो बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है. तो वो एग्जाम्पल होता है अनबैलेंस्ड फोर्स का, when the resultant of all the forces is not equals to zero. हाँ जी बताए बेटा जी, समझ में आया क्या सब लोगों को? Yes, I am waiting. जल्दी से चलो, मैं चैट विंडो चेक करने आ रही हूँ. कविशा ने मुझे रिप्लाई कर दिया है. जयवर्धन सक्षम, सक्षम तुमने क्या भेजा है? ईशा ओके, माही, अक्षर, लड्डू है बहुत छोटा है यार, विजिबिलिटी नहीं है, खाने में तो क्या मजा आएगा. दो चार तो मैंने पांच भेजे थे. अच्छा ठीक है बेटू, मैंने ओके ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच. चलिए हम आगे बढ़ेंगे. सो आई होप ये पार्ट सबको क्लियर है, ठीक है. तो फोर्स मोशन के कंपैरिजन में ये चैप्टर अभी तक ठीक ठाक लग रहा होगा क्या? आशना तो मतलब यस मैम भी, अरे मैम आप पूछ रही हो तो अब यस ही बोलना पड़ेगा इस तरीके से बोल रही है. सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग एज यू कैन सी दैट. ठीक है, तो अभी तक हमने किसकी बात कर ली है, अभी तक हमने बैलेंस फोर्स की बात कर ली है, अनबैलेंस फोर्स की बात कर ली है, फोर्स की बात कर ली है. एक बार हम फिर से सारी चीज़ों को समराइज कर लेते हैं नया पढ़ने के बजाय, इट्स बेटर टू समराइज द थिंग्स. हमने ये देखा कि अगर हमें बॉडी की स्टेट चेंज करनी है, दो तरह की स्टेट होती है, या तो बॉडी रेस्ट में होती है या बॉडी मोशन में होती है. मैं
इस पे ही आ रही हूँ, ठीक है। सो अगर बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है तो उसको क्या करना पड़ता है, अगर उस पे कोई फोर्स लगता है तो वो बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। जैसे कि एक बॉल रेस्ट पे थी, उसको एक बच्चे ने हिट किया या किक किया तो बॉल ओ कैसे आई, मोशन में आ गई, ठीक है। मूविंग बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में किसी ने पैर से दबाया था उस बच्चे ने, तो वो मूविंग बॉल क्या हो गई थी, रुक गई थी, ठीक है। और किसी तीसरे बच्चे ने जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही थी उसके दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया। और सम टाइम वी कैन अप्लाई फोर्स टू चेंज द डायमेंशंस। तो अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी एज वेल एज इट कैन चेंज द डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी। फोर्स इतनी सारी चीज़ें कर सकता है। ये फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एन। दो तरह के फोर्सेस हमने शुरुआत में आपको बताए, कंटैक्ट फोर्स एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स वो होता है, बताते हैं कभीशा रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। कंटैक्ट फोर्स वो होता है जिसमें बॉडी, दो बॉडीज जिस पे फोर्स लग रहा है और जो लगा रही है, दोनों कंटैक्ट में होने चाहिए। जैसे कि फुटबॉल और बच्चे का पैर, वो कंटैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं होती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आर सन एंड अर्थ। क्या सन और अर्थ साथ में एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? तो अगर टच कर रहे होते भैया हम होते क्या? हम तो होते ही नहीं, ठीक है। तो देर इज अ फोर्स जो कि अर्थ पे कंटिन्यूसली सन लगा रहा है, दैट इज द रीजन वो उसी के चारों तरफ चक्कर काटता है। बट वो फोर्स कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट, द टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो ये एग्जाम्पल होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ठीक है। जब एप्पल गिर रहा था तो एप्पल और बॉल अर्थ के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, बट फिर भी एप्पल कहाँ आया? नीचे ही आया, ठीक है। फिर हमने देखा कि फोर्स कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट होने के बाद बैलेंस और नॉन बैलेंस, अनबैलेंस फोर्स भी होते हैं। बैलेंस के केस में बेटा रिजल्टेंट का मतलब होता है सब फोर्सेस का रिजल्ट। जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पे फिर से आती हूँ, मैंने संता बंता के केस में ये जो एफ और माइनस एफ लिखा था, ये रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स आपने सारे फोर्सेस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये रिजल्टेंट फोर्स क्या आया? जीरो। तो ये रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ वन माइनस एफ टू प्लस एफ थ्री माइनस एफ फोर, ये सारे फोर्स, ये इनका रिजल्ट जो आएगा उसको रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। कविशा इज दिस क्लियर टू यू बेटा? आता है समझ में? यस। तो जब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे और सबके कारण अगर बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हुई, किस केस में? संता बंता का एग्जाम्पल याद रहेगा, संता ने इधर से लगाया, बंता ने इधर से लगाया, रिजल्टेंट क्या हुआ? नो चेंज इन स्टेट, बॉडी मोशन में नहीं आई, बॉडी रेस्ट में ही रही, और रिजल्टेंट उनके फोर्स का क्या था? जीरो जब होता है तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस उसका उल्टा, व्हेन एन नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू बॉडी इक्वल्स टू जीरो एंड देयर विल बी अ मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। के पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि हमने केस लिया था वही लड्डू वाला, कि बच्चे का हाथ 1 न्यूटन फोर्स दे रहा था ऊपर की डायरेक्शन में और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन नीचे की तरफ में। तो रिजल्टेंट क्या होगा? 10 माइनस 1 दैट इज 9 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स इस लड्डू पे कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? 9 न्यूटन इन डाउनवर्ड। तो लड्डू कहाँ मूव करेगा? 9 न्यूटन फोर्स से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो अनबैलेंस केस फोर्स के केस में बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट से बॉडी मोशन में आ जाती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और अ डायरेक्शन इन विच जिसमें फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है। तो अब आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी, आप लोग इसको आराम से देखो समझो और मुझे बताओ कि क्लियर है या नहीं। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास? थैंक यू सो मच मैम। नाउ आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन टुमारो इन माय स्कूल साइंस क्लास। ओके बेटा,
ये बहुत अच्छी बात बोली है कि आप अगर मुझसे पढ़ के अगर आप अपनी क्लास में आंसर करते हो तो दैट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. ठीक है, हम चैप्टर ही खत्म हो गया. चैप्टर ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं संचित, तुम्हारा दिन भी आएगा. ठीक है, चलिए अब आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं. अच्छा, अभी मीटिंग छोड़ने से पहले मुझे जल्दी से एक बात बता दो, कल कल का क्या सीन है? कोई किसी का हाफ डे या फुल डे वाला सीन ही है क्या? हाँ जी. अच्छा, कल आप जल्दी से जो लोग प्रेजेंट है वो अपना टाइमिंग मार्क कर दो कि कल कितने बजे आप लोग की क्लास ओवर हो रही है. मैम चेक करके बताता हूँ. ईशा लीव का मतलब क्या है? अच्छा, छुट्टी है. ऋतु, अच्छा से माही कह रही नो इन्फॉर्मेशन. कविशा का 12 बजे छुट्टी हो जाएगी. अच्छा, कल हमारा टेस्ट डे है. कल हम टेस्ट किसका ले लें? अभी मैथ्स में क्या चल रहा है हमारा? तो लाइंस एंड एंगल्स चल रहा है और साइंस कोऑर्डिनेट नहीं, साइंस में इससे पहले क्या ले रहे थे? अच्छा ठीक है, कल अपन क्या करते हैं, मैथ्स में मैथ्स में पैरल वाला पार्ट हटा दो. पैरल से पहले वाला मतलब कौन सा हो गया आपका? वर्टिकली अपोजिट वाले कॉन्सेप्ट और लीनियर पेयर पे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिर्फ इतना सा टेस्ट लेते हैं. ठीक है, तो मैं अभी ग्रुप पे डाल भी दूंगी. थैंक यू मैम. ओके बेटा, चलिए बाय एवरीबॉडी. बताएंगे बेटा.